हेलो गाइस, मैं आज आपको एलजेब्रा का पार्ट थर्ड आइडेंटिटीज पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आज हम क्यूब की आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। देखते हैं। एक तो होती है ए प्लस बी का क्यूब और एक होती है ए माइनस बी का क्यूब। ए प्लस बी का क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी प्लस ए प्लस बी। ए माइनस बी का क्यूब क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये होती मेरी आइडेंटिटीज कौन कौन सी, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब। देखते हैं, x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू ए दे देगा मुझे और पूछेगा क्या, पूछेगा x क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब क्या होगा। यहाँ से क्या पूछेगा भाई, x माइनस वन बाई एक्स दे देगा मुझे किसके बराबर, a के बराबर, और पूछ लेगा x क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब, ये पूछेगा। इधर तो प्लस पूछेगा और इधर साइड में क्या पूछेगा, माइनस पूछेगा। क्या करना है भाई, दोनों साइड क्या कर देंगे, होल क्यूब कर देंगे। करूँगा तो x का क्यूब प्लस वन बाय एक्स का क्यूब प्लस थ्री, ए कितना है मेरा x है, b कितना है वन बाय एक्स है, और मुझे पता है यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, x प्लस वन बाय एक्स। ये मुझे बोल दूँ ये मेरा क्या है, सिर्फ a है, ये पूरा क्या है मेरा b है। ये तो a है ये b है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में a प्लस b। भाई मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि भाई जो ये है x a प्लस b कितना है, a प्लस b कितना है a के बराबर है। भाई x प्लस वन बाई एक्स क्या है, a के बराबर है, तो मैं x से तो पहले x कैंसिल आउट कर दूंगा और निकले क्या है यहाँ से, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इक्वल टू थ्री ए, ए क्यूब माइनस थ्री ए, ए क्यूब माइनस थ्री ए। यहाँ से क्या निकल रहा है, जब मुझे x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू ए दे रखा और मुझसे पूछा गया हो कि एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब क्या होगा, तो मैं बोलूँगा ए क्यूब माइनस थ्री ए से निकाल लूँगा, कब, जब मेरे x के कोफिशेंट सेम हो। अब जैसे मैंने x प्लस वन बाई एक्स को होल क्यूब करा दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ऐसे हम इधर करेंगे क्या, इसका भी क्यूब, या तो मैं बोल दूँ क्या पूरे का क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब माइनस थ्री, ए कितना है एक्स है, बी कितना है वन बाई एक्स है, और ए प्लस बी, एक्स माइनस ए प्लस बी नहीं ए माइनस बी, ठीक है, इक्वल टू क्या ए क्यूब, इसका क्यूब हो गया। अब देखो भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए माइनस बी, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, और मैं बोल दूँ जो एक्स माइनस वन बाई एक्स है वो तो ए है, क्या है, एक्स माइनस वन बाई एक्स है वो तो ए है। मैं बोल दूँ एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब माइनस थ्री ए इक्वल टू ए क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब ये निकल के आए हैं मेरे क्या, अगर मुझे क्या निकालना हो, x माइनस वन बाई एक्स से एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब निकालना हो, तो क्या करूँगा मैं, ए क्यूब प्लस थ्री ए, क्या करूँगा ए क्यूब प्लस थ्री ए, और जब मुझे x प्लस वन बाई एक्स से एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब निकालना हो, तो मैं क्या करूँगा ए क्यूब माइनस थ्री ए। ये तो बात हो गई, ये ट्रिक कहाँ से निकल गई। अब करते हैं क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं।
क्या था, x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू ए दे रखा हो और मुझे निकालना हो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, तो क्या होगा ए क्यूब माइनस थ्री ए। ऐसे ही अभी जस्ट मैंने प्रूफ करा था, जब मुझे x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू ए दे रखा हो और मुझसे पूछा गया हो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब क्या होगा, तो मैंने अभी बताया था ए क्यूब प्लस थ्री ए। ये मैंने दोनों आपके सामने लिख दिए हैं। अब करते हैं क्वेश्चंस पे अप्लाई। क्वेश्चन क्या है, x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू फाइव, फाइंड x क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब क्या होगा। यहाँ से x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू फाइव है और पूछ ले क्या x क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब क्या होगा। पहले बेसिक, फिर उसका ट्रिक। बेसिक मैंने क्या बताया था, जो हम जनरेट कर रहे थे वैसे ही करेंगे, फिर उसका ट्रिक लगाएंगे। क्या आएगा यहाँ से, x क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस थ्री इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स। एक्स प्लस वन बाई एक्स मतलब कि ये ए है ये बी है, तो यहाँ पर एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू इसके बराबर 125। क्यों, पाँच का क्यूब कितना था 125, फाइव का क्यूब कितना था 125। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया मेरा, बचा क्या यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। मैं इसकी जगह पर क्या फाइव लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ए प्लस बी मुझे फाइव दे रखा है। बोलूँ तो एक्स प्लस वन बाई एक्स मुझे क्या दे रखा है, फाइव दे रखा है। मैंने यहाँ पर फाइव करा, फाइव थ्री जा 15 और ये वाला प्लस का 15 उधर जाकर कितना हो जाएगा, माइनस का 15। आंसर कितना 1110। अब मैं बोल दूँ एक, मैं बोल दूँ जो 125 है वो तो ए का क्यूब है भाई, माइनस, और इसको मैं 3 इंटू फाइव ही था भाई, 3 क्या है 3 और 5 कितना था जस्ट मैंने भी बताया था ए, तो मैं बोल दूँ इसलिए तो मैंने लिखाया था क्या ए क्यूब माइनस थ्री ए से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, मुझे इतनी स्टेप नहीं करनी पड़ेंगी। ऐसे मैं यहाँ पे करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ से देगा मुझे एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब माइनस थ्री, ए कितना है मेरा एक्स है, बी कितना है वन बाई एक्स है, और एक्स माइनस वन एक्स क्या था ए माइनस बी, भाई फॉर्मूला तो ए माइनस बी था ना, एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू फाइव का क्यूब कितना 125, कितना 125। कर कुछ नहीं, सिर्फ जो फॉर्मूला है उसी पर मैं पुट कर रहा हूँ अभी, तो भाई एक्स से तो एक्स कैंसिल आउट हो गया मेरा और एक्स माइनस वन बाई एक्स मुझे यहाँ पर कितना दे रखा, फाइव दे रखा है, तो मैं बोल दूँ एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब माइनस 15 इक्वल टू कितना 125। एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब, इधर 15 माइनस का उधर जा किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, आंसर कितना आ गया 140। भाई ये भी तो ए का क्यूब है और ये भी तो प्लस थ्री है, यही तो लिखाया था मैंने, यही तो लिखाया था मैंने, देख लो ये तो हुई बेसिक क्वेश्चंस की बात। अब मैं हम लोग अपना धीरे धीरे लेवल अप करते हैं। फोर एक्स प्लस वन बाई थ्री एक्स इक्वल टू फाइव, और पूछा क्या है मेरे से 64 एक्स क्यूब प्लस वन बाई 27 एक्स क्यूब इक्वल टू क्या होगा। भाई प्लस है, प्लस
माइनस, मतलब कि प्लस से जब मुझे प्लस में जाना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, और जब मुझे प्लस से प्लस में जाना पड़ेगा तब भी मैं माइनस का लगाऊँ, क्या लगाऊँगा, ए क्यूब प्लस थ्री। ये बट कब लग, थ्री ए ये कब लगेगा, जब मेरा क्या कोफिशेंट सेम होंगे भाई। लेकिन x के साथ यहाँ पर कोफिशेंट क्या है, 4 है, और यहाँ पर x के साथ कोफिशेंट क्या है, 3 है। तो मैं बोलूँगा अब मुझे इसके साथ क्या जोड़ना पड़ेगा भाई, बोल दूँ 4x इंटू 1/3x जोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा, देख लेते हैं। ए क्यूब कितना, 5 का क्यूब कितना, 125। 3 ए कितना है मेरा, 5 है, एक्स है, एक्स यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया मेरा, आएगा कितना 4/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, 5 4 20 प्लस नहीं होता भाई माइनस होता है, प्लस नहीं होता भाई माइनस होता है, क्या होगा 125 - 20 105 आंसर, क्या 105 आंसर। आई होप सबको क्वेश्चन समझ आया होगा, मैं आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार, 2x - 1/3x = 7 और फाइंड करना है मुझे क्या, 8x³ - 1/27x³ क्या होगा भाई। सारे जितने क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो सारे ही प्रीवियस ईयर हैं, कोई CGL में आया हुआ है, कोई CHSL में, सब में कोई ना कोई पेपर में क्वेश्चंस आए हुए ही हैं भाई। माइनस है, माइनस में जाना है, माइनस से माइनस में जाना, तो क्या करूँगा प्लस, क्या एक, और भाई यहाँ पर x का कोफिशेंट क्या है 2, यहाँ पर x का कोफिशेंट क्या है 3, तो मैं क्या बोलूँगा मुझे यहाँ पर a इंटू बी भी लेना पड़ेगा। a और b मैं तब नहीं लेता जब मेरा कोफिशेंट क्या हो, सेम हो, किसका, x का। क्या करूँगा यहाँ से मुझे निकल के क्या देगा भाई, 2x का क्यूब कितना 8x³ माइनस 3x का क्यूब कितना 27x³ भाई। अभी लिखवाया था क्या, ए क्यूब प्लस 3 होता है, ए क्यूब कितना 7, 7 का क्यूब कितना 343 प्लस 3 ए कितना भाई 7 इंटू 2x अपॉन में 1/3x, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, मैं बोलूँगा क्या 343 7 × 14 तो कितना हो जाएगा 357 आंसर, ठीक है। एक ये क्वेश्चन हुआ, क्या कुछ नहीं करा, जब माइनस से माइनस में जाना है तो प्लस होगा भाई, माइनस से माइनस में जाना है तो प्लस होगा, माइनस से माइनस में जाना प्लस होगा, प्लस से प्लस में जाना माइनस होगा, बस कुछ नहीं। आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, हाँ जी मैं आपको क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ, कौन सा है, एक्स की पावर 28 प्लस 1/x²² इक्वल टू कितना दे रखा है, 7 के इक्वल दे रखा है भाई, 7 के इक्वल दे रखा है। फाइंड क्या करना है, एक्स की पावर 84 प्लस 1/x²84 क्या होगा भाई। सिंपल सी बात क्या है, पावर देख के डर नहीं जाना भाई, 28 दे रखा है पावर, 84 हम कैसे निकालेंगे भाई, सिंपल सी बात है, जब हम 28 का भाई 3 टाइम्स करेंगे तो 84 देगा, सिंपल सी बात है। जब मैं किसी भी पावर का पावर करता हूँ तो ये पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई में चली जाती है,
मल्टीप्लाई में चले जाते हैं, मैं बोल दूँ ए की पावर कितनी हो गई 9। ऐसे ही क्या, ऐसे ही मैं बोलूँ जब मैं एक्स की पावर 28 का क्यूब करूँगा तो क्या होगी, पावर किस में चली जाएगी, मल्टीप्लाई में चली जाएगी। पावर किस में चली जाएगी, मल्टीप्लाई में चली जाएगी। और मैं बोल दूँ 28 इंटू 3 कितना होता है 84, किसकी पावर 84, एक्स की पावर 84 से। मैं बोल दूँ जो ये वाली इक्वेशन है वो इसके क्यूब के बराबर है, इसका क्यूब करूँगा तो यही देगा मुझे कितना, एक्स की पावर 84। बस इतना ही जानना था, करते हैं। यहाँ से मुझे क्या देगा, x की पावर 84 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 84, भाई प्लस है, प्लस है, जाएंगे इसमें माइनस में, भाई क्या लगेगा ए क्यूब माइनस 3 ए, क्यों लगेगा, क्योंकि भाई यहाँ पर x का कोफिशेंट भी सेम है, यहाँ पर भी x की पावर 28 का कोफिशेंट सेम है, तो मैं यहाँ पे लूँगा ही नहीं और भी हर बार। अब 7 का क्यूब कितना 343 माइनस 3 ए कितना भाई 7 है, 343 माइनस 21 कितना दे देगा, मतलब 322 मेरा आंसर हो जाएगा, कितना 322 आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपको ज़्यादा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ तो एक बार कमेंट करके बता देना, अगली बार से ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वैसे मैं अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर रहा हूँ स्लो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है भाई, क्वेश्चन में दे रखा है एक्स की पावर 52 माइनस, एक्स की पावर 52 माइनस 1 बाय एक्स की पावर 52 दे रखा है मुझे 8 के बराबर, किसके बराबर 8 के बराबर। और मुझसे पूछा गया है क्या, फाइंड एक्स की पावर 156 माइनस 156 क्या होगी। बस वही देखो भाई, मैंने क्या बताया थी, जब मैं किसी भी पावर का क्यूब करूँगा या कोई भी पावर चढ़ाऊँगा तो पावर किस में चली जाएगी भाई, मल्टीप्लाई में चली जाएगी, किस में, मल्टीप्लाई में चली जाएगी। मैं अगर 52 को का क्यूब करता हूँ तो 52 इंटू 3 कितने देगा 156 देगा, सिंपल सी बात है भाई, ये इसका क्यूब करना है मुझे भाई, क्या करना है, क्यूब करना है, क्यूब करना है तो क्या करूँगा, माइनस से माइनस करूँ लगे क्या ए क्यूब प्लस 3 है, क्या लगेगा ए क्यूब प्लस 3 है। और अगर कोफिशेंट अलग होगा तो मैं उसको भी मल्टीप्लाई में लिख दूंगा, लेकिन इनके क्या कोफिशेंट सेम है, बिल्कुल भाई, एक्स की पावर 52 के साथ भी 1 है, एक्स की पावर 52 के साथ भी 1 है, तो मुझे सिर्फ इतने पुट करना है। यहाँ से मुझे क्या निकाल के देगा, डायरेक्ट निकाल के देगा एक्स की पावर 156 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 156 इक्वल टू ए क्यूब, 8 का क्यूब कितना था भाई 512, कितना 512 प्लस प्लस कितना 3 ए कितना 8, 8 3 या 24, 512 और 24 कितना 512 24 कितना 536 आंसर, 536 आंसर। क्वेश्चन सिर्फ अगर पावर तुम्हें ज़्यादा दे दी तो ये घबराने की जरूरत नहीं है भाई, पावर निकालने की कैसे ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपकी निगाहें ऐसी होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को कैच कर सकें, कैसे करना है ये प्रैक्टिस के बाद ही आएगी। क्वेश्चन क्या है भाई, एक्स की पावर एम प्लस एन माइनस पी प्लस 1 बाय एक्स की पावर एम प्लस एन माइनस पी इक्वल टू मुझे दे रखा है किसके बराबर 20 के बराबर भाई, किसके बराबर 20 के बराबर। निकालना क्या है, निकालना भाई मुझे निकालना है एक्स 3 एम प्लस एन माइनस पी प्लस 1 बाय एक्स की पावर 3 ब्रैकेट में एम प्लस एन माइनस पी, ये निकालना भाई। जस्ट अभी मैंने बताया था
अगर मैं किसी भी पावर की पावर चढ़ाता हूँ तो भाई मल्टीप्लाई में हो जाती है। अगर मैं यहाँ से देखूँ एम प्लस एन माइनस पी है, यहाँ पर एम प्लस एन माइनस पी है, मैं बोल दूँ कि मैंने जब एम माइनस एन माइनस पी का की भी पावर क्यूब करा होगा भाई, तभी मुझे 3m प्लस एन माइनस पी दिया होगा। तो वैसे ही मुझे करना है। अब क्या करना है, मैं इसका भी क्यूब कर दूंगा भाई, वही प्लस है, प्लस में जाना है, लगे क्या माइनस, कोफिशेंट सेम है तो भाई सिर्फ ए क्यूब माइनस 3a रहेगा। मैं बोल दूँ यहाँ से क्या निकल गया, x की पावर 3m प्लस एन माइनस पी प्लस 1 बाई एक्स एम प्लस एन माइनस पी, क्या हुआ ए का क्यूब कितना, 20 का क्यूब कितना भाई सबको पता होता है कितना, 8000 माइनस 3a माइनस 3 ए कितना है 20, आंसर कितना 7 भाई घटा तो लो 7940 आंसर मेरा। आज के लिए इतना ही, ठीक है, और मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। और हाँ, मैं आपको टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें मैं क्वेश्चन सेंड करता रहूँगा टाइम टू टाइम।